पोल भाई लोगों ने पोल की रेशो ऊंचाई रिएक्शन पे वोट किया है। दो लिटिल प्रिंस को बर्थडे विश करना था जो कि हिना खुर्रम के बेटे हैं अब्दुल वास्य खुर्रम। हैप्पी एक का सॉन्ग गाएंगे 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू। ये कचौरी ये वाली, अच्छा ये वाली कचौरी लेनी है। सभी का कह रही है वो वाली कचौरी लेनी है, मैंने कहा नहीं ये वाली लेनी है। उस दिन देख के गई सर ये देखिए 50। अस्सलामुअलैकुम आवर यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा व्लॉग्स एंड अदर व्लॉग्स। मैं हूं मारिया सैयद। तो जनाब क्या हाल है, क्या अहवाल है, और रमज़ान का जो है सेकंड जुमा आप सबको जो है बहुत 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 दिल से जो है मुबारक हो। चलिए जी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नहीं क्या वीडियो को लाइक जल्दी से कर लीजिए, लाइक चैनल को नहीं क्या सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। और अभी जो है मैं और सबीका जो है आज हमारे यहाँ तारी जो है वो मार्केट से आएगी और पापा का टेलर के ऐसे कपड़े भी हमें लेने हैं। और अभी जो है हम लोग चले तैयार वगैरह मैं अबाया वगैरह पहनती हूँ, उसके बाद जो है मार्केट जाते हैं। आज का ब्लॉग जो है शाम जो है 4:30 बजे से जो है स्टार्ट कर रही हूँ। चले भी तैयार होकर आपसे मिलते हैं। देखें चाइनीज़ लोग अबाया पहनते हैं और किस तरह से वो लुक दे रहे होते हैं अपना। सेट नहीं हो रहा है, है। अच्छा अच्छा, आपकी सूजी सूजी आंखें कुछ कह रही हैं। मैंने सुना था कल आपने कोई कपड़े वपड़े विन किए हैं। वो तो टाइम लिमिटेड था। अच्छा ख़त्म हो गया इनका था 10 पॉइंट्स का टाइम लिमिटेड। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने लेवल 3 किया इंग्लिश का। चले हम दोनों यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। इसी के साथ ही मुझे यहाँ पे कहना था अरमान हसन, हमें कहना था अरमान हसन थैंक यू भाई, आपने कहा 10K का टारगेट है। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। इंशाल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। और आपको जो है शिरकोरमा पसंद आया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं। लाइव विद रोहान हुसैन थैंक यू सो मच, आपने कांग्रेस किया। और मुझे यहाँ पे साइमा फैजान थैंक यू सो मच, आपने कांग्रेस किया। नगरीज खान लव यू फॉर कॉमेंट, थैंक यू सो मच। चले फिर चलते हैं और बाजार आपको दिखाते हैं कैसा है। फिर पापा का जो है टेलर कैसे कपड़े लेना है, उनके से फ़ोन आ गया है हमें कि कपड़े आके ले जाइए। चले भी। और फिर टेलर क्या पहले देना पड़ता है, वो नहीं लेते रमज़ान में। आज इफ्तारी नहीं बनाई है क्योंकि हमारा प्लान कुछ है कि मतलब 4K की खुशी में आज मार्केट से इफ्तारी लाएंगे तो वो करेंगे। चले फिर चलते हैं। पापा देखें हमारा जो है वेट कर रहे हैं, नीचे आके बैठे हैं बेचारे। लाइट का क्या लाइट आए तो फिर लिफ्ट से जाएंगे। सभी क्या कह रही है पापा आप यहाँ बैठे हैं। और पापा मैंने सुना है कि आप वो लेकर आए, गोश्त लेकर आए। कहाँ है गोश्त? हमें खबर आ गई थी कि पापा जो है गोश्त लेकर आए हैं। ज़मीन पर रख दिया पापा। पापा देखें बिल्ली आगे खा जाएगी गोश्त, बिल्ली आ जाएगी पापा। वो घूम रही है अंदर ही अंदर, बड़ी बड़ी बिल्लियाँ घूम रही। क्या हुआ? सभी क्या कितना लाड कर रही है अपने अब्बा का। चले चलते हैं पापा, हम लोग आते हैं। सही है, हाँ ठीक है, आते हैं। फिर पापा जो है असर की नमाज़ पढ़ने जो है वो नीचे आए तो वहाँ से जो है जो भी सामान वगैरह जो है वो ख़रीदने के लिए आगे नीचे ही बैठे हैं। नीचे से जो है फ़ोन वगैरह उनका आ चुका था कि अब मैं लाइट आएगी तो वो 6 बजे बेचारे आएंगे, आधा घंटा और वेट है। चले फिर हम लोग सामान वामान लेते हैं। पापा का कपड़ा हम लोग जो है हमेशा अल जदीद टेलर के यहाँ जो है सिलवाते हैं, जो कि परफ्यूम चौक वाली गली में जो है इनके शॉप है। पहले दूसरी शॉप थी, उसके बाद इन्होंने शॉप चेंज कर ली है और लेकिन है उसी गली में अल जदीद टेलर। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इनके यहाँ से कपड़ा सिलवाने के बाद हमें वापस आना पड़े, ये ख़राबी है वो ख़राबी है। नंबर आपको स्क्रीन पर जो है शो हो रहा होगा। बहुत अच्छा सीते हैं, बिल्कुल जो नाप है सब कंप्यूटराइज इनके पास सेफ़ रहता है। और कभी भी कोई शिकायत हमें पापा की ड्रेसेस में नहीं हुई है। बहुत फिटिंग वगैरह सब बिल्कुल परफेक्ट होती है, हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। तो हम लोग जो है इन्हीं के जो है पापा के कपड़े सिलवाते हैं। और अब जो है मैं और सबीका जो है वो जाने लगे थे अपनी फेवरेट दुकान से चीज़ें लाने के लिए इफ्तार के लिए, क्योंकि जो मीज़ान बैंक के सामने एक ज़बरदस्त किस्म का जो है स्टॉल लगता है समोसों वगैरह का। बहुत ज़बरदस्त इनके पास वेराइटी होती है और इनकी चीज़ें मैंने आपसे कहा ना रीज़नेबल प्राइस में होती है, बहुत ही कम रेट में ये दे रहे होते हैं शॉप से। और ज़ाहिर है शॉप वालों को जो है रेंट देना होता है वो। ये कचौरी ये वाली, अच्छा ये वाली कचौरी लेनी है। सभी का कह रही है वो वाली कचौरी लेनी है, मैंने कहा नहीं ये वाली लेनी है। उस दिन देख के गई सर ये देखिए 50 रुपये की कीमा भरी है जी। ये देखें और 50 की ये वाले देने, 100 की कर दें, 100 के। कितना आलू का? हाँ ये वाली पकौड़े 100 के। यहाँ पे हमारा सामान जो है वो पैक हो चुका था और मैंने पकोड़े जो है दो तरह के लिए और उसके साथ ही जो है मज़ेदार सी कीमा भरी कचौरियाँ ली जो कि मैं उस दिन देख के गई थी और उसी दिन से मैं लगी हुई थी मुझे लेनी है। लेकिन ममा जो है आपको पता है कि मेरी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब आजकल फ़िक्रमंद रहती हैं, तो वो मुझे ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा बाजार की चीज़ों से दूर रख रही है। घर की चीज़ें इतनी बनी हुई है ना, कहती हैं यही खा लो ये खा लो, और इनकी जो जितना सामान इन्होंने बना हुआ है ट्रस्ट में ये रात तक जो है बिल्कुल खाली हो जाएगा, सारा जो है सेल हो जाएगा ये रात तक, क्योंकि ये मेरी आंखों देखी बात है। और यहाँ पे जो है देखें छोलों के जो है स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, लेके लेडी जो है वो बैठी हुई है छोटे छोटे पैकेट्स छोलों के बना के। और इसके साथ ही मुझे यहाँ सब्ज़ी लेनी थी, मैंने यहाँ पे आलू पैक करवा लिया और उसके बाद जो है मुझे याद आया, सबिका ने याद दिलाया कि यार पापा जो अभी खड़े हुए थे उनके पास तो आलू भी थे, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा आलू पैक करवाने के बाद शॉपर से निकलवाने में, तो फिर मैंने कहा चलो 1 किलो आलू तो मैंने लिए ले लेते हैं, क्योंकि संडे को जो है मुझे आलू की भी एक कटलेट्स जो है वो बनाने थे, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं कोई मसला नहीं है। हम लोग जो है घर आ चुके हैं और पापा जो है हमसे पहले पहुंच गए। चलें भी चलते हैं अंदर, इफ्तार का टाइम होने लगा है और अब यहाँ पे प्लेट में जो है चीज़ें निकाल रही हूँ। ये आलू के पकौड़े जो कि बहुत मज़ेदार होते हैं, इनके आके इतने लजीज होते हैं, अगर आपने नहीं ट्राई किए तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और गिया खान थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, सबा इजाज़ आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्ला इतनी प्यारी दुआओं के लिए। काशिफ थैंक यू सो मच फॉर कॉमेंट, और मोहम्मद उमर थैंक यू सो मच फॉर कॉमेंट। आप लोग वीडियो देखते हैं, आप लोग कॉमेंट करते हैं, मैं बता नहीं सकती हमें कितनी खुशी होती है। और यहाँ पर 100 रुपये के जो मैंने बेसन वाले पकौड़े लिए थे, जो कि मम्मा कह रही थी इतने कम हो गए, लेकिन पकौड़े जो है अभी फिलहाल घर में सिर्फ मैं और पापा ही खा रहे हैं। सबीका तो खैर पकौड़े नहीं खाती है, वो सिर्फ मेरे हाथों के बने ही खाती है, जो मैं बनाऊंगी ना पकौड़े वो बहुत शौक से खा लेगी, लेकिन पूरी ज़िंदगी उसने कहीं के किसी के पकौड़े जो है वो कभी भी नहीं खाए। पकौड़े और हलीम वो कभी कहीं की नहीं खाती है, सिर्फ मेरी बनाई हुई खाती है, ममा की बनाई हुई भी नहीं खाती है। और यहाँ ये कचौरी पकौड़े और आलू के पकौड़े लिए, तो उसके साथ इन्होंने हमें फ्री में मतलब ये वाली जो कचौरी के सादी कचौरी के साथ खाते हैं ये वाले फ्री में, और ये वाली चटनी फ्री में मतलब इनका है, तो वो हमें मिला है। सबको ही मिलेगा मतलब मैं अपना बता रही हूँ। आज इफ्तारी में ये कीमा कचौरी, आलू के पकौड़े, फ्रूट चाट जो कि पापा जो है फ्रूट्स लेकर आ गए थे, और बेसन के पकौड़े जो कि मैं मार्केट से ये सारी चीज़ें जो है लेकर आई हूँ, क्योंकि आज हमने सोचा कि थोड़ा एंजॉय करते हैं। फिर इफ्तारी वगैरह जो है हमने की, उसके बाद जो है आज मामा बीफ बिरयानी बना रही थी, क्योंकि मामा ने कहा अभी संडे को भी जो है मीठा तुम बना रही हो, और फिर अभी सभी अगर बर्थडे का भी केक वेक हुआ। फिर रमज़ान में जो है आपको पता है कि रूटीन जो है बहुत टफ हो रही है, तो केक वेक बनाना तो अभी पॉसिबल नहीं है, तो चलो जी हम लोग घर में छोटा मोटा सा सेलिब्रेट कर लेते हैं। रोज़ा किचन थैंक यू सो मच फॉर कॉमेंट, 3H लाइफ स्टाइल थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, देविया सरोज बहुत सारा दिल हमारी तरफ से भी तुम्हारे लिए, और फरा आसिफ मगजी थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, आमीन सुमा आमीन, जज़ाकल्ला इतनी प्यारी प्यारी बातों के लिए। और आर्काइव मैंने तुम्हें कमेंट में बता तो दिया है, लेकिन वही है कि चीज़ों को जितना आसान करके करो तो उतनी अच्छी बात है, तो चीज़ों को आसान करो। इफ्तार कोई बहुत बड़ी हवा चीज़ नहीं है, बस लाइक हाईटी बुफेट और उसको फूड स्ट्रीट में ले लो, पकौड़ा समोसा बस इस सब में करके हो जाता है। और यहाँ पर बिरयानी रेडी हो गई है, यहाँ पर जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा हंगामा शोर मचा हुआ है, क्योंकि सबीका की नज़र कुछ ऐसी चीज़ पे पड़ गई है कि उसने जो हंगामा यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ये सबीका को क्या हो रहा है कुछ भी नहीं हुआ क्यों? इन्होंने पोल डाला है और YouTube कम्युनिटी पे इन्होंने पोल डाला कि मेरा न्यू चैनल रिएक्शन पे बनना चाहिए या सबीका न्यू चैनल बना रही है अपना रिएक्शन पे। हाँ रिएक्शन पे बना रही हूँ, सबसे पहला रिएक्शन इसको दूंगी मैं। और आप लोगों ने कुकिंग करने वालों ने क्या सोच के वोट कर दिया कुकिंग पे, कि मतलब मुझे देख के लगता है। सबीका को दिखाते हैं पूरा फिर बात करते हैं। सबीका अपना दुखड़ा एक पोल, भाई लोगों ने पोल की रेशो ऊंचाई रिएक्शन पे वोट किया है, आप रिएक्शन नहीं वालों को बता दूँ मेरे बस का काम नहीं है, मैं खा सकती। कुछ परसेंट ने कुकिंग को भी बोला है, हाँ वही तो कुछ परसेंट वालों को भी जवाब देना चाहिए, उन्होंने भी किया है, लेकिन मैं कुकिंग मारिया जैसी नहीं कर सकती, वैसे नॉर्मल कर रही हूँ। दूसरा रिएक्शन, लोग चाहते हैं तुम्हें कुकिंग करता देखना, तुम्हें किचन में देखना। रिएक्शन में है तुम रिएक्शन वालों के कमेंट पढ़े, तुम क्या चाहती हो मुझे भी भर के तो मतलब कमेंट में सही से अच्छे से इज्जत मिले। वो जो एक रिएक्शन वाली है ना, वो जो रिएक्शन वाली है वो मिले मुझे, है मैं तुम्हें गिरिया करूँ ये करूँ ना भाई, मुझसे ना हो पाएगा, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। अच्छा वो चलो, अच्छा वो एक मजाक तो बता देती हूँ मैं, वो जो पोल मैंने लगाया था, आजकल मैं बड़े मज़े के पोल्स लगाती हूँ यूट्यूब कम्युनिटी पे, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके जो उसको जरूर देखिए, पसीना देखिए, इसमें कराची में गर्मी कितनी है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और वो सिर्फ एक मजाक था कि सभी का जो न्यू चैनल बनाने वाली है रिएक्शन कुकिंग या ब्लॉग पर, और आप लोगों ने जो कुकिंग पर भी इनको वोट किया और इसको सबसे ज़्यादा डर लग गया, अभी कुकिंग कुकिंग। अरे मारिया जो कुकिंग पे चैनल बनाऊं मैं, इसके जैसे मारिया नहीं कर सकती। हमारे दो तो है, तीन भी हो जाएंगे उसमें। और एक दो चैनल की एडिटिंग और मतलब नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं खा लूंगी, मैं खा लूंगी, पकाऊंगी, मैं खा सकती हूँ, नमक बता दूंगी इसको कहीं बनाना है कि नहीं, चीनी डालिए कि नहीं। बाकी कुकिंग मेरे बस की बात नहीं है। मारिया जैसे ये करती है खतरनाक कुकिंग, हाँ इसके लिए अप्रिशिएट, खतरनाक कुकिंग वाले ही की है। चले मेरे अब सभी का जो एक चीज़ का रिव्यू देने वाली है वो रिव्यू दिखाते हैं आपको। पहले तो मेरे लिप्स तुम कैसे दिखाओगी, मैं दिखाती हूँ। तो आप लोग को पता होगा कि ये मैं ग्रीटर लेकर आई थी, दो ग्रीटर्स लिए थे लेकिन फ़िलहाल मैंने अभी एक कराया तो मैं एक का ये ग्रीटर कह रही हूँ, सॉरी लिप ग्लोस लाई थी, ग्रीटर वाला लिप ग्लोस था, एक सिंपल था, तो अभी मैंने ग्रीटर वाला लगाया। तो ये इसको देखो किस पे लगाया, कौन से शेड पे लगाया वो भी दिखाओ ना। वो तो पिंक वाला शेड लाई थी, दूसरा वाला दोनों ही सेम शेड है, अच्छा सिर्फ ग्रीटर है, बाकी सारे पिंक है, मेरा लिप पिंक नहीं लग रहा। हाँ तो ये है सेम है, बस इसमें थोड़ा चमक आ जाएगी। तो ये बड़ी ही मुझे मज़े का लग रहा है, मैंने वो भी यूज़ किया है पर उसको मैं दिखा नहीं रही। मुझे हर चीज़ मज़े की लगती है। हाँ ये बहुत अच्छा है। और दूसरा आप लोगों को अगर याद हो तो मुझे आया था बर्थडे गिफ्ट निविया का, तो मैं निविया का रिव्यू मतलब मेरा दिल चाह रहा है देने का, वैसे मुझे निविया वाले को प्यार नहीं दे रहे लेकिन मैं दे रही हूँ रिव्यू। ये निविया जो है ना, आप लोगों को अगर हमारे साथ शुरू से आप लोग कनेक्ट हो तो आपको पता होगा कि गर्मियों में मुझे स्वेटिंग की बहुत इशू होता है, मैं परेशान हो रही होती हूँ। और आप लोगों ने काफ़ी मशवरे भी दिए थे कि क्या क्या करना, मैंने फॉलो भी किया था। पर इससे जो है ना स्वेटिंग में तो आपको पता ही है कि फिर चकरा के आप गिरी भी नहीं बस बाहर। खैर इससे मैं वो तो मैं चकरा के गिर सकती हूँ, स्मेल वगैरह भी होती है। तो ये जो है ये आपको पसीना नहीं आने देता, मतलब इसको आप अगर लगा लो शावर के बाद तो ये मतलब ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। तो मैं ये आपको नाम दिखा दे रही हूँ, तो अगर आप भी चाहो, और इसकी खुशबू भी बहुत है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग है, तो ये आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो गर्मियों में, ये बहुत अच्छा है। मतलब ये अगर ख़त्म हो गया तो फिर मैं इसको खरीदूँगी, मैं बहुत रोऊँगी बच्चों की, नहीं मैं मेरी मम्मा के सामने रोऊँगी क्योंकि मुझे ये मज़ा आ गया था कि अभी भी मैंने शावर लिया था तो मैंने इसको किया है। आप शावर लेने वाले लोग हैं ना, आप यूज़ करते हैं? नहीं, बिना शावर वाले भी जो कपड़े बदल रहे हैं वो भी कर सकते हैं। चलें जी, निविया वगैरह का रिव्यू जो है आपने देख लिया और होपफुली कि आपके लिए वो जो है हेल्पफुल होगा। और इसके साथ ही हम यहाँ रात के 12 बजे का वेट कर रहे थे क्योंकि हमें जो है 2 लिटिल प्रिंस को बर्थडे विश करना था, जो कि हिना खुर्रम के बेटे हैं, अब्दुल वाफे खुर्रम, अब्दुल वास्य खुर्रम। हैप्पी का सॉन्ग गाएंगे, 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर वासे, डियर राफे। बहुत बहुत भाई प्यार आप दोनों बच्चों को, बेटों को भाई, अब्दुल राफे और वासे। बहुत हजारों साल, खूबसूरत नाम है और अल्लाह पाक आप लोगों की, और मेरे ख्याल से दोनों ट्विन्स हैं, जब दोनों का साथ जो है हो रहा है। और भाई बच्चों आप लोगों को जो अल्लाह पाक बहुत लंबी उम्र दे, अपने माँ बाप के दिल का सुकून बनाए और आपको बेस्ट जो ब्राइट आपका फ्यूचर हो, आमीन सुम्मा आमीन। चले जी, ये दुपट्टा मेरा फिर खुल गया, चल रहा है आप लोग को आदत होगी आपकी मारिया को ऐसी खुलियों में। हिना खुर्रम दोनों ट्विन्स हैं, इसमें तो कोई शक नहीं क्योंकि दोनों का एक ही कितने बड़े हैं, ये क्या एज है इनकी, ये सब हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। और बहुत भाई बहुत खुशी हुई बच्चों का जो बर्थडे, अच्छा था बच्चों, लव यू लव यू, अल्लाह सेहत भरी जिंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। चलें इसी के साथ ही वीडियो को करते हैं एंड, नहीं क्या वीडियो को लाइक जल्दी से कर लीजिए, लाइक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, टिकटॉक इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें कर लें फॉलो। अपना बहुत ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।